नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बेहतर और ऊंचा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास अनुभव और ज्ञान का होना बहुत जरूरी माना जाता है, लेकिन यह ज्ञान आपको बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत आपकी स्कूलिंग से होती है। हमारे देश में शिक्षक, लेक्चरर या गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो दिन रात एक करके कड़ी मेहनत के साथ आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बन सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कॉलेज में लेक्चरर कैसे बने, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपके पास कौन से जरूरी स्किल और स्टडीज होनी चाहिए, इन सभी की जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में कंप्लीट देने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है एक शिक्षक, गुरु, एक कॉलेज लेक्चरर बनने का, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो हमारे कॉलेज में गुरु होते हैं, वो हमारे शिक्षक होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं और कई तरह की चीजों को सिखाते हैं। लेकिन यदि हमें कॉलेज लेक्चरर बनना है तो यह सवाल आता है कि हमारे अंदर आखिर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती है, जैसे कि प्रोफेसर बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए केवल योग्यताएं ही काफी नहीं, इसमें आपके पास बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि पहला, लेक्चरर के पास सबसे पहले ऑडियंस के सामने पब्लिक स्पीकिंग जैसा अनुभव होना चाहिए, ताकि वो लोगों के सामने कुछ बोलने या अपनी बात रखने में ना झिझके और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ साथ वह अपनी बात को कहे। नंबर दूसरा, लेक्चरर को बैठकों, सेमिनार्स और कार्यशालाओं में जाने का आदत भी होना चाहिए और अनुभवी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना आना चाहिए। नंबर थ्री, लेक्चरर को स्टूडेंट्स को सपोर्ट और मुश्किलों के साथ मदद करने जैसा व्यक्तिगत ट्यूटर के रूप में अभिनय करना आना चाहिए, जैसे व्यवहारिक काम, कार्य स्थानों का क्षेत्र, यात्राओं का पर्यवेक्षण करना इत्यादि। नंबर फोर, लेक्चरर को संबंधित विषय की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाए और उच्च शिक्षा दे पाए। नंबर फाइव, एक लेक्चरर को हमेशा पेशेंस और मिलनसार वाला व्यवहार होना चाहिए। नंबर सिक्स, लेक्चरर की राइटिंग और स्पीचिंग स्किल परफेक्ट होनी चाहिए, इसके साथ ही वो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव भी होना चाहिए। नंबर सेवन, लेक्चरर में हमेशा अपने काम में पूरी रुचि रखने की आदत होनी चाहिए और वो हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखता हो। लेक्चर बनने के लिए ये सब स्किल्स जरूरी हैं। अगर आप में यह गुण है तो आप एक कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर कॉलेज लेक्चरर कैसे बने, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए सबसे पहले तो आप अपने किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट में 12वीं पास करें, अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी पूरी करें। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री पूरा करें, यूजीसी नेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें और इसे क्लियर करें। अब प्रोफेसर बनने के लिए एमफिल या फिर पीएचडी करें। इसके बाद लेक्चरर बनने के लिए कुछ प्रमुख स्टेप्स होते हैं, तो चलिए उन स्टेप्स को जानते हैं। स्टेप नंबर वन, लेक्चरर बनने के लिए एक कैंडिडेट को यूजीसी नेट एग्जाम को पास करना जरूरी होगा। अब दोस्तों, यह सवाल आता है कि यूजीसी नेट एग्जाम आखिर होता क्या है, तो इसकी जानकारी हम आपको पहले ही एक वीडियो में दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी मिल जाएगा। वहां जाकर आप यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार हिट किया जाता है, जिसे पास करके आप एक लेक्चरर के रूप में किसी भी कॉलेज में नौकरी पाने के योग्य बन जाएंगे। अब इसके बाद स्टेप नंबर टू, यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद भारत में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए किसी भी कॉलेज में लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने से हर किसी को जॉब की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि यूजीसी नेट क्लियर होना एक शर्त मानी जाती है। इसके अलावा भी लेक्चरर के लिए आपको न्यूज़पेपर या ऑनलाइन में आने वाले अलग अलग कॉलेज को विज्ञापन में खाली पोस्ट के बारे में बताया गया होता है, वहाँ खुद से भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद कॉलेज अथॉरिटी अपने हिसाब से एक लेक्चरर की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसके लिए कॉलेज अथॉरिटी कैंडिडेट्स का एक इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स का एक रिटन एग्जाम भी लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आपको कॉलेज में नियुक्त किया जाता है और आप एक कॉलेज लेक्चरर बन जाते हैं। लेकिन अब चलिए जानते हैं एक लेक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या होती है, उनमें कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है। दोस्तों, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा लेक्चरर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कई सारी ड्यूटीज होती है, जैसे कि प्रोफेसर सुपरवाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, मॉनिटरिंग, प्रेजेंटेशन, रिसर्च जैसे कई जिम्मेदारियां। और इसके साथ साथ कई ऐसे ड्यूटीज होती है, जैसे कि क्लास लगने से पहले क्लास के लिए सिलेबस, लेक्चर और टेस्ट तैयार करना, क्लास असाइनमेंट चेक करना, एग्जाम के लिए प्रश्न तैयार करना और एग्जाम पेपर को चेक करना, स्टूडेंट्स के ग्रेड की गिनती करना, क्लास के बाहर स्टूडेंट्स को सलाह या कोई मदद देना।
नई नई चीजों को सीखने की तकनीकों पर सर्च करना और फिर स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना, सेमिनार अटेंड करना, स्टूडेंट्स काउंसलिंग करना, ग्रेजुएट स्टूडेंट को सुपरवाइजिंग करना और उनके रिसर्च में मदद करना, पीएचडी एग्जाम का इवोल्यूशन करना, फंडिंग एजेंसी जनरल पब्लिकेशन के साथ साथ पेपर तैयार करना और इसके साथ ही सार्वजनिक व्याख्यान यानी कि पब्लिक लेक्चर तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना, ये सब जिम्मेदारियां और ये सब ड्यूटीज एक लेक्चरर की होती है। अब दोस्तों, किसी भी कोर्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल आता है कि जो कोर्स मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी कोर्स मैं कर रहा हूँ, उसमें करियर की कितनी संभावनाएं हैं। तो चलिए जानते हैं लेक्चरर में करियर की संभावनाएं क्या क्या है। दोस्तों, पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके पास लेक्चरर बनने के अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रीडर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल भी आप बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने करियर को नई दिशा देने के लिए ट्यूशन क्लासेस में भी जा सकते हैं, अपना खुद का ट्यूशन क्लास खोल सकते हैं या फिर विदेश में आप टीचिंग की नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए ज्ञान अनुभव के साथ साथ आपकी उम्र भी मायने रखती है। लेक्चरर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि लेक्चरर पद के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है, लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कैंडिडेट की उम्र 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को आरक्षण के नियमानुसार छूट दी जाती है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें कॉलेज लेक्चरर की सैलरी के बारे में, तो दोस्तों लेक्चरर को अच्छी खासी सैलरी तो मिलती ही है, इसके साथ ही उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। अब प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती समय में कॉलेज में लगभग 10,000 से लेकर 40,000 प्रतिमाह तक सैलरी पा सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी सेक्टर में जाते हैं तो आपको शुरुआती सैलरी लगभग 25,000 तक मिलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा लेक्चरर के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।